कैसग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर आपने फिर से रेज पैरल बनानी है, फिर से एक पैराबोलिक मिरर बनाना है और ये ओपनिंग देनी है, और यहाँ पे भी प्लेन मिरर नहीं बनाना, फिर से पैराबोलिक मिरर ही बनाना है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये कन्वर्जिंग है और ये जो है ये कन्वर्ज कर रहा है और ये भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो रेज आई, यहाँ पर बेंड हुई, यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकलती हुई आई पीस के लेंस के अंदर से पास होकर बाहर निकलेगी। तो ये इसका डायग्राम आपने बनाना है। फिर इसके अंदर ये लिख रहे हैं एफ ओ का मतलब लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कौन है? ये मिरर है ऑब्जेक्टिव, इसमें मिरर है। और इसमें आई पीस कौन है? लेंस है। तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, डेरिवेशन नहीं करनी, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला याद करना है, एफ नॉट बाई एफ सी वन प्लस एफ ई बाई डी, सीधा फॉर्मूला है। इसके अंदर फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी में बनती है, यहाँ पे नहीं बनती, तो एफ नॉट बाई एफ ई होता है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लेंस नहीं है, मिरर है, तो आर बाई टू यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ नहीं करना, इसको याद करना है और लिखना है, खत्म। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एज इट इज आएगा। ये भी बहुत आता है पेपर में, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप। हम मिरर्स के टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप क्यों बनाते हैं, मिरर्स के टेलीस्कोप क्यों बनाते हैं एज कम्पेयर टू लेंस? तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप? नंबर वन, देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन इन मिरर्स। लेंस अगर हम यूज करेंगे तो लेंस में डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो जाती है, सात रंगों में लाइट टूट जाती है, और उसको कौन हैंडल करे? और मिरर में तो टूटती नहीं है, डिस्पर्शन मिरर में तो होती नहीं है, तो क्रोमैटिक एबरेशंस नहीं होती, एबरेशन मींस एरर्स नहीं होते। नंबर टू, मिरर पैराबोलिक है तो स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिमूव्ड। याद करो हमने की थी स्फेरिकल, हम क्या करते हैं मिरर्स को पैराबोलिक काट देते हैं ताकि सारी रेज एक ही जगह पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज ईजी टू डिजाइन एंड इंस्टॉल बिकॉज मिरर का वेट इज मच लेस देन द लेंस का वेट। अब हम लेंस की जब चीज़ें बनाते हैं, लेंस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास हैवी है, तो कोई मैकेनिकल सिस्टम बड़ा बनाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। लेकिन जब मिरर बनाते हैं, मिरर हल्के हैं, तो मिरर लाइट है, मिरर का बना हुआ टेलीस्कोप जो है वो लाइट है और ये थोड़ा हैवी बनता है। नेक्स्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। मिरर कितने मर्जी राउंड घुमा लो फर्क नहीं पड़ता, लेंस घुमाओगे तो एबरेशंस आ जाती हैं। लेंस को बहुत नहीं तेजी से घुमाया जा सकता, उसमें डिफेक्ट आ जाएंगे। मिरर पैराबोलिक करोगे कोई चक्कर नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं मिरर यूज करने से जो रिजॉल्विंग पावर है वो एक अच्छी रिजॉल्विंग पावर को हम ला सकते हैं अगर हम मिरर्स यूज करेंगे। तो लेंस का बना हुआ टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लो रहती है और मिरर के बने हुए टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हाई रहती है। ये तीन चार पॉइंट लिख देना, बात खत्म, अगर एनसीईआरटी में आता है तो।